हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मिवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मौर्योत्तर काल के बारे में, जिसकी कालावधि जो है वो मानी जाती है 200 ईसा पूर्व से लेके और 300 ईस्वी के मध्य में। तो चलिए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मौर्योत्तर काल के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई थी और कौन कौन से वंशों ने मौर्योत्तर काल के दौरान शासन किया था। तो चलिए पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। देखिए, मौर्योत्तर काल, इसकी जो काल अवधि है वो है 200 ईसा पूर्व से लेके और 300 ईस्वी, ठीक है, यानी कि लगभग 500 सालों का ये कालखंड है। और इस कालखंड में हम कई वंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसका जो विभाजन है वो कई स्तर पर किया गया है। जैसे हम इसके दो स्तरों के बारे में जानें, किसके बारे में, दो स्तरों के बारे में जानें, तो पहला है स्थानीय, जो स्थानीय शासक हुए, और दूसरे थे विदेशी। स्थानीय स्तर पर अगर हम शासकों की बात करें तो इसमें आपके सुंग, कर्ण और सातवाहन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहले आते हैं सुंग, दूसरे आते हैं कर्ण और तीसरे आते हैं सातवाहन। ये किस में शामिल हैं? ये स्थानीय शासकों में शामिल हैं। फिर हम बात करते हैं विदेशी। हम विदेशी जही, जैसे यहाँ पे हमने सुंग, कर्ण और सातवाहन जाने, ऐसे ही विदेशियों में हम जानेंगे यवन, शक, पल्लव, ठीक है। क्या जाना हमने? तो विदेशी शासकों में मौर्योत्तर काल के दौरान हमने सुंग जाना, कर्ण जाना, सातवाहन जाना, इसमें हमने यवन जाना, शक जाना, पल्लव जाना, ठीक है। और इसमें एक और आता है कुषाण। ठीक है, तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें टोटल 7 वंशों के बारे में हम चर्चा करेंगे पूरे मौर्योत्तर काल के दौरान। तो पूरे मौर्योत्तर काल के दौरान इन वंशों के बारे में चर्चा होगी, जिसमें हम प्रत्येक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रत्येक वंश के बारे में जानेंगे और उसके शासकों की शासन अवधि के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा वंश लेते हैं? शुंग वंश लेते हैं। चलिए, देखिए कौन सा वंश ले रहे हैं हम? शुंग वंश। शुंग वंश में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि शुंग वंश काफी महत्वपूर्ण वंश है और इसमें जो कार्य हुए थे वो आज तक भी प्रासंगिक हैं, महत्वपूर्ण हैं, प्रमाणिक हैं और जन जन में प्रचलित हैं, ठीक है। तो इस वंश में सबसे पहले अगर बात करें तो इस वंश में टोटल 10 शासक आए। कितने आए? 10 शासक। और इन 10 शासकों के द्वारा 112 वर्ष तक शासन किया गया। और इस वंश का पहला शासक कौन था? तो इस वंश का पहला शासक था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो संस्थापक के रूप में जानते हैं हम इसको, संस्थापक कौन था? संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। देखिए, तो कितने शासक हुए? टोटल 10 शासक हुए। पहला शासक कौन हुआ? पुष्यमित्र शुंग हुआ। अंतिम शासक कौन हुआ? अंतिम, तो वो था देवभूमि, ठीक है। क्या नाम था उस शासक का? उस शासक का नाम था देवभूमि। तो समझ में आई बात आप लोगों को? शुंग वंश में 10 शासक हुए जिन्होंने टोटल 112 वर्ष तक शासन किया। अब देखिए, एक एक करके हम इन शासकों के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, इनकी राजधानी भी लिख लेना,
राजधानी क्या थी? राजधानी तो पाटलिपुत्र। ठीक है, ये इसकी कॉमन जानकारी हो गई सुंगवंश के बारे में। अब हम इसके एक एक शासक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले लेते हैं पुष्यमित्र शुंग को। पुष्यमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग की उपाधि क्या थी? तो पुष्यमित्र शुंग की उपाधि थी सेनानी की। क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम? उपाधि की बात कर रहे हैं। तो उपाधि क्या थी इसकी? सेनानी। ठीक है, और ये जो उपाधि थी सेनानी, ये सबसे प्रचलित उपाधि इसकी मानी गई है। पुष्यमित्र शुंग की सबसे प्रचलित उपाधि। ठीक है, तो उपाधि कौन सी है? सेनानी, जो इसकी क्या मानी गई है? सबसे ज्यादा प्रचलित उपाधि मानी गई है। ठीक है, इसके अलावा इसको दो अश्वमेध यज्ञकर्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? दो अश्वमेधकर्ता, दो अश्वमेध करने वाला। क्या कहा गया है? दो अश्वमेधकर्ता इसको बोला गया है। इसका काल वैदिक प्रतिक्रिया या वैदिक पुनर्जागरण का काल कहलाता है। इसका काल वैदिक पुनर्जागरण या वैदिक प्रतिक्रिया का काल कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। तो पुष्यमित्र सिंह की उपाधि सेनानी जो सर्वाधिक ज्यादा प्रचलित है, दो अश्वमेध यज्ञ द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका काल किस किस काल माना जाता है? तो वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। देखिए, आपको याद रखना है कि इसके समय पर भारत पर यवनों का आक्रमण हुआ। ठीक है, किसका आक्रमण हुआ था? तो इसके टाइम पर यवनों का आक्रमण हुआ था, और यवनों ने चित्तौड़ जो वाले इलाके हैं इनको बिल्कुल रौंद के डाल दिया था। तो इसके समय पर भारत पर मंगोलों का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। और जब ये आक्रमण हुआ था तो वसुमित्र ने क्या किया था? उनको परास्त किया था। वसुमित्र ने परास्त किया। वसुमित्र ने क्या किया था? परास्त किया था। और वसुमित्र था कौन? तो वसुमित्र जो था वो अग्निमित्र का बेटा था, और अग्निमित्र कौन था? अग्निमित्र जो था वो पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। तो ये बात आपको याद रखनी है। पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र था। ठीक है, क्या था? अग्निमित्र था। चलिए इसको मिटा देते हैं।
चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हम कि इसी के शासनकाल के दौरान 184 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। 184 ईसा पूर्व, क्योंकि मैंने यहाँ आपको बताया था मौर्योत्तर काल कब से शुरू होता है, 200 ईसा पूर्व से लेके और 300 ईस्वी के मध्य में क्या होता है, शुरू होता है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ 184 ईसा पूर्व क्या हुआ था, विदर्भ का युद्ध होता है। विदर्भ का युद्ध यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु माना गया, ठीक है। विदर्भ का युद्ध यज्ञसेन एवं शुंगों के मध्य हुआ, था अग्निसेन, ठीक है, कोष्टक में लिख लेना आप लोग अग्निसेन। तो अग्निसेन इधर लिखना, इस युद्ध में यज्ञसेन की हार होती है। यज्ञसेन की क्या होती है, इस युद्ध में यज्ञसेन जो है वो हार जाता है, यज्ञसेन की हार होती है तथा दोनों के मध्य साम्राज्य का विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो दोनों के मध्य साम्राज्य का विभाजन हो जाता है। समझ में आई बात आप लोगों को। चलिए तो आप लोग सोचोगे साहब कौन कौन के बीच में होता है, तो एक तो मैंने आपको लिखा दिया है यज्ञसेन, ठीक है, आधा भाग्य दे दिया, आधा जो राज्य वो यज्ञसेन को दे दिया जाता है और दूसरा जो था वो माधवसेन को दे दिया जाता है। माधवसेन मित्र होता है इसका, ठीक है, अग्निसेन का। चलिए यज्ञसेन और माधवसेन के बीच क्या कर दिया जाता है, जो राज्य था उसका विभाजन कर दिया जाता है। इसको मिटाते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग का शासन 36 वर्षों तक रहता है। पुराणों में यह दिया हुआ है कि पुराणों के अनुसार जो पुष्यमित्र शुंग था इसके शासनकाल कब तक रहा, 36 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा, ठीक है। इसके दरबार में दो महान कवि थे, दो महान पुरुष थे। कौन कौन? एक तो था पतंजलि और दूसरा कौन सा था, दूसरा था मनु, ठीक है। मनु को क्या माना गया है, आदिपुरुष माना गया है। पतंजलि और मनु दो कौन थे, इसके दरबार में महान पुरुष थे, ठीक है। समझ में आई बात आप लोगों को। इसके अलावा आपको ये बात रखना है कि पुष्यमित्र के द्वारा
पुष्य मित्र के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया जाता है। आयोजन किया जाता है और सुरक्षा की जिम्मेदारी बसुमित्र को सौंपी गई। बसुमित्र को सौंपी जाती है, ठीक है। तो सुरक्षा की गारंटी का मतलब क्या था कि जो बसुमित्र था उसको कहा कि तुमको घोड़े के पीछे पीछे जाना है और कोई भी शासक इसको रोकता है तो क्या है उसको उसको क्या करना पड़ेगा, तुमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो बसुमित्र को क्या सौंपी गई, जिम्मेदारी सौंपी गई। बसुमित्र ने यवनों को सिंध नदी के किनारे परास्त किया था। बात समझ में आई, कहाँ परास्त किया था, यवनों को सिंध नदी के किनारे परास्त किया था। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले सकते हो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, देखिए, पुष्यमित्र की धार्मिक नीति जानते हैं हम, क्या जानते हैं, धार्मिक नीति से इसका मतलब है कि इसका धर्म के प्रति व्यू क्या था, किसका, पुष्यमित्र संघ का। आप लोगों को जानकारी होगी कि पुष्यमित्र संघ के द्वारा अशोक के जो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था उनको तोड़वा दिया जाता है। पुष्यमित्र के द्वारा अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसने घोषणा की थी कि जो भी मुझे बौद्धों का सर काट के लाएगा तो मैं एक बौद्ध सिर के बदले 100 सोने की दिनार दूंगा, ठीक है। इसने कहा था क्या कहा था, जो भी मुझे एक बौद्ध सर लाकर देगा मैं उसे 100 सोने की दिनार दूंगा, ठीक है। बात समझ में आप लोगों को, तो ये किसके द्वारा कहा जाता है, ये पुष्यमित्र सुंग के द्वारा ये बात कही गई थी कि जो भी मुझे एक बौद्ध का सर लाकर देगा मैं उसे 100 सोने की दिनार दूंगा। उसके बाद क्या हुआ था, पूरे क्षेत्र में भगदड़ मच जाती है, इतना उत्पाद क्षेत्र में मचाया जाता है कि स्थिति बद से बदतर हो जाती है। लोग बौद्ध बिच्छुओं को ढूंढ ढूंढ कर लाने लगे और उनके जो सिर हैं वो काट कर भेंट किए जाने लगे। पूरे आसपास के क्षेत्रों में बौद्ध जो साधु थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, भिक्षुड़ी थी, उनकी निर्मम हत्याएं की गईं। उसके अलावा क्या किया जाता है, इस स्थिति में इतनी वो आ जाती है कि देखिए, पैसे लोग प्राप्त करना चाहते थे और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, ठीक है।
उसे पाप धर्म इच्छा इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो लोग, एक व्यक्ति गया और वो किसी का सर काट के लेके आ गया, उसको पैसे मिल गए, फिर वो अपना उसी सर को अपने किसी नज़दीक रिश्तेदार को देता, अपने भाई को देता, जा तू जा और कह देना मैं भी काट के लाया हूँ। तो उसके लिए पुष्यमित्र सुंग ने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर रखवा दीजिए चौराहे पर और उस सिर को उसमें मार देते, जिससे वो सर जो ख़राब हो जाता और उसको कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो एक ऐसी स्थिति पुष्यमित्र सुंग के काल में बनी थी, ठीक है। तो अयोध्या का अर्थ आप लोग जानते होंगे, अयोध्या, जो बिना युद्ध के जीता गया शहर हो गया, लिखनी नहीं है, बातें सुननी है केवल, ठीक है। और जो सरयू नदी है, अयोध्या की बात थी ये सब कुछ, जो सरयू नदी है, तो सरयू नदी में बौद्धों के सर काट काट कर फेंके गए थे, इस कारण वो नदी क्या कहलाई, सरयू, ठीक है, क्या कहलाई, सरयू नदी कहलाई। तो आपको ये जो वक्तव्य मैंने दिया है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। पुष्यमित्र सुंग के बारे में जो मैंने आपको बताया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो पुष्यमित्र का जो शासनकाल है, धनदेही अभिलेख से इसके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, एकमात्र अभिलेख जिस जो पुष्यमित्र सुंग का क्या करता है, उल्लेख करता है, तो ये लोग लिख लेना, धनदेही स्तंभ लेख कोष्टक में लिख लेना अयोध्या, धनदेही स्तंभ लेख अयोध्या पुष्यमित्र के बारे में जानकारी देता है, पुष्यमित्र के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो इन्हीं के पुष्यमित्र के पांचवें छठवें वंशज हुए थे, इनके द्वारा ये लेख लिखा गया था, ठीक है। तो इसे लेक्चर से संबंधित जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम जो चैनल है मैं वहाँ पे इसको सेंड कर दूंगा, उसके नीचे जब भी आप लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल तो तुम्हें वो पता चल जाएगा, ठीक है, और वहाँ से तुम आराम से ये सब कुछ लिख सकते हो, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है उस पर समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि लिखा तो बहुत जगह तुमको मिल ही जाता है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जो कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की शासकों के बारे में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।